आज हिंदुस्तान में जो नॉनवेज खाता है उसको भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। उससे भी जो बड़ा संकट हुआ है वो संकट ये हुआ है, किसान को या पशुपालक को, कृषि में भी मदद मिलती है पशुपालन से और पशुपालक का जीवन भी चलता है पशुपालन से। लेकिन ये पिंक रिवॉल्यूशन के कारण इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी, यहां से मुंबई तक मटन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए सब्सिडी दी, और मटन के पीछे इतना धन लगा दिया कि आज गांव के गांव गरीब किसान बेचारा पैसे की लालच में अपने पशु बेच रहा है। भाइयों बहनों, मैं बहुत बड़ा संकट देख रहा हूं, गांव की अर्थनीति पर एक गंभीर संकट पैदा होगा। अगर एक बार बारिश नहीं हुई तो किसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। ये पिंक रिवॉल्यूशन के नाम पर देश का अमूल्य संपत्ति, हमारी पशु संपत्ति का जो खात्मा बुलाया जा रहा है, उससे गांव के गांव बर्बाद होने वाले हैं, मेरा किसान बर्बाद होने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी का पिंक रिवॉल्यूशन, ये यूपीए का पिंक रिवॉल्यूशन हमारे देश के गांव के किसानों को तबाह करने वाला कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जरा मुझे बताइए कि आपके माताजी पिताजी जिस मुसीबतों से जी रहे थे, क्या आप भी ऐसी ही मुसीबतों में जीना चाहते हो? आपके मां बाप ने जो संकट झेले, क्या आप भी वही संकट झेलना चाहते हो? आपके मां बाप को जिस कठिनाइयों में गुजरना पड़ा, क्या आप भी गुजरना चाहते हो? आपके मां बाप ने आपको जैसा हिंदुस्तान दिया, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा हिंदुस्तान देना चाहते हो? भाइयों बहनों, कोई नहीं चाहता है मुसीबतों में जीना, कोई नहीं चाहता मुसीबतों भरा देश आने वाली पीढ़ी को देना। और इसलिए भाइयों बहनों, देश में बदलाव बहुत जरूरी है। आप मुझे बताइए, क्या देश के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? रोजगार के अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, 2009 में उन्होंने कहा था 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका दूसरा धोखा पत्र निकला है। ये घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। और इस धोखा पत्र में उन्होंने फिर से कहा है कि वे नौजवानों को 10 करोड़ को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के वादों पर आपका भरोसा है? किसी को भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? उनकी कथरी करनी पे भरोसा है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था, आप में से कोई है जिसको पिछले 5 साल में दिल्ली के कारण रोजगार मिला हो? कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके परिवार का कोई है जिसको रोजगार मिला हो? आपके गांव का कोई है जिसको रोजगार मिला हो? भाइयों बहनों, क्या चुनाव में ये धोखाधड़ी चलेगी क्या? जनता की आंख में धूल झोंकी जाएगी क्या? अब कांग्रेस की तो एक दूसरी मुसीबत है, कांग्रेस ने इतनी धूल झोंकी है, इतनी धूल झोंकी है कि जनता को अब धूल झोंकने के बाद भी दिखाई देने लगा है।
और इसलिए कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग शुरू किया है। अब तक वो धूल झोंकते थे, पार्लियामेंट में प्रयोग शुरू किया है मिर्ची झोंकने का, आंख में मिर्ची झोंकने का प्रयोग शुरू किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के नौजवानों का भविष्य बनाना है, 70 करोड़ नौजवान जिस देश के पास हो, उन बुजाओं को अगर हुनर सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया जाए। आज दुनिया के हर देश में किसी भी नेता का भाषण सुनिए, किसी भी सरकार की योजना देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता होती स्किल डेवलपमेंट। एक अकेला हिंदुस्तान है जो सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए कमिटियां बनाती हैं, कमीशन बनाती हैं, एक्सपर्ट कमिटियां बनाती हैं, मॉनिटरिंग कमिटियां बनाती हैं, फीडबैक कमेटी बनाती है। 5 साल तक कमेटियां बनाते रहे, कमेटियां बनाते रहे, और प्रधानमंत्री जी उसके चेयरमैन थे, कभी उस कमेटी की एक बार भी मीटिंग नहीं। ये क्या देश के नौजवानों के लिए गंभीर है क्या? भाइयों बहनों, जिनके आपके भविष्य की चिंता नहीं है, इनके भरोसे देश नहीं दिया जा सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबाइए और इस बार हिंदुस्तान की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रहने वाली है। मजबूत सरकार चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गलती से भी दिल्ली में अपंग सरकार न बने, आप में से कोई 3 पहिए वाली गाड़ी चाहेगा कि 4 पहिए वाली? आपकी गाड़ी के पहियों में पूरी हवा चाहिए कि आधी अधूरी? भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र की गाड़ी चलाने के लिए भी दिल्ली में आधा अधूरा फैसला नहीं होना चाहिए। जो लोग अब पराजित होना तय हो चुका है, अब उन्होंने पिछले 2 दिन से नया खेल शुरू किया है, उन्होंने खेल शुरू किया है, हम तो मरे लेकिन तुम्हें भी। और इसलिए भाइयों बहनों, उनका इरादा है कि किसी को भी पूर्ण बहुमत न मिले, ऐसी सरकार